वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, मैंने ये बताया था कि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, एक अणु बराबर एक फोटोन, और फोटोन का अवशोषण करके क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब देखो, वो वाली बात हमारी हो गई थी कंप्लीट, अगर आपने नहीं देखा तो उस वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्वांटम यील्ड क्या होती है। देखो, कोई समय है किसी अभिक्रिया में, कोई समय है, कोई निश्चित समय है, उस समय में जो क्रिया करने वाले अणु हैं, कितने अणु हैं, कितने अणुओं ने क्रिया करी, यानी कि एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणु तथा अवशोषित होने वाले फोटोन, उसी समय में, अलग समय में नहीं, उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, क्वांटम लब्धि कहलाता है या क्वांटम यील्ड कहलाता है। तो क्या हो गया कि किसी निश्चित समय में जो अणु है, जो क्रिया कर रहे हैं उनकी संख्या, क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या तथा उसी समय में, उसी समय की बात कर रहा हूँ, अलग समय की नहीं बात कर रहा, उसी समय में जो अवशोषित फोटोन हैं उनको, उनकी जो संख्या है, दोनों के अनुपात को क्या कह रहे हैं हम, क्वांटम लब्धि कह रहे हैं या क्वांटम यील्ड कह रहे हैं। इसे हम फाई से दर्शा सकते हैं, फाई से दर्शा सकते हैं। देखो, इसको हम फाई से दर्शा सकते हैं, साथ ही इसमें हम और कई परिभाषा ही दे सकते हैं। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय में, क्या बोल सकते हैं हम, एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या, एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या, के पदार्थ के मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप, अपॉन क्या, अपॉन में लिख सकते हैं, उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की संख्या, आइंस्टीन क्या है, वो ऊर्जा है, जो मैंने कल बात की थी उस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की संख्या क्या कहलाती है, क्वांटम लब्धि कहलाती है, क्वांटम क्षमता कहलाती है। तो ये हमारे पास क्वांटम क्षमता की बात हो गई। अब इसमें देखो, कई बार ये पूछा जाता है कि उच्च क्वांटम लब्धि और निम्न क्वांटम लब्धि क्या होती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। कई बार हमसे पूछा जाता है उच्च क्वांटम लब्धि और निम्न क्वांटम लब्धि, उच्च क्वांटम लब्धि और निम्न क्वांटम लब्धि क्या होती है। तो ये क्या होती है, पहले उच्च की बात करते हैं। उच्च का मतलब है फाई का मान जो है वो एक से ज़्यादा हो, मतलब ये कि मैंने बताया था कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, लेकिन मान लो एक अणु, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक अणु एक फोटोन के द्वारा अवशोषित होता है, एक फोटोन अवशोषित करता है या एक फोटोन के द्वारा सक्रिय होता है, लेकिन यदि एक फोटोन के कारण, केवल एक फोटोन के कारण एक से ज़्यादा अणु सक्रिय हो जाएं, एक से ज़्यादा अणु एक्टिव हो जाएं, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, उच्च क्वांटम लब्धि दे दिया, उच्च क्वांटम क्षमता नाम दे दिया। और यदि हमारे पास क्या हो कि एक फोटोन से एक अणु अवशोषित ना हो, यानी कि ये क्वांटम लब्धि का मान क्या हो कि एक से कम हो, यानी कि एक अणु को सक्रिय ना कर पाए, यानी कि एक फोटोन एक अणु को सक्रिय ना कर पाए, एक अणु को सक्रिय करने के लिए एक से ज़्यादा फोटोनों की जरूरत पड़े, तो वो क्या हो जाती है, निम्न क्वांटम लब्धि हो जाती है। समझ में आया कि जब हमारे पास एक फोटोन एक अणु को सक्रिय कर नहीं कर पाता,
उससे एक अणु को सक्रिय नहीं कर पाता तो वो क्या होती है, निम्न क्वांटम लब्धि। तो दोनों की बात हो गई, एक बार और बता देता हूँ ध्यान से सुनना कि उच्च क्वांटम लब्धि क्या है। उच्च क्वांटम लब्धि का मतलब है कि एक फोटोन एक से ज़्यादा अणुओं को एक्टिव कर सकता है, एक से ज़्यादा अणुओं को सक्रिय कर सकता है। और निम्न क्वांटम लब्धि में एक फोटोन एक से कम अणुओं को सक्रिय करने की क्षमता रखता है या सक्रिय नहीं कर पाता, यानी कि एक अणु को सक्रिय करने के लिए ज़्यादा अणु लगेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया निम्न क्वांटम लब्धि। अब देखो बात हम किसकी कर रहे हैं, उच्च क्वांटम लब्धि की बात कर रहे हैं। उच्च क्वांटम लब्धि ये कब कब होती है और इसके कारण क्या क्या होते हैं, उच्च क्वांटम लब्धि की इसकी हम बात कर रहे हैं तो उच्च क्वांटम लब्धि के कारण क्या क्या होते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास पहला कारण क्या है, जैसे हमारे पास ये ए बी है, कोई अणु है, अब इससे क्या है कोई फोटोन इससे टकराया, फोटोन एच न्यू से लिख रहा हूं मैं फोटोन को, अब इससे कोई फोटोन टकराया और ये सक्रिय हो गया, किस में सक्रिय हो गया, ए बी में सक्रिय हो गया, ये एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया, एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया और ए बी में सक्रिय होकर ए प्लस बी बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल बना था, एक्टिव मॉलिक्यूल बना था, ये एक्टिव मॉलिक्यूल किसी और इनएक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि असक्रिय कोई ऐसा ही अणु से जाके टकराया और टकरा के कुछ ऊर्जा उसको दे दी, तो क्या होगा कि ये वाला भी किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला भी हमारे पास, ये वाला भी हमारे पास आगे उत्पाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि एक ही अणु से क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा अणु, एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, एक से ज़्यादा अणु क्या हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण श्रृंखला अभिक्रिया या चैन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया में मैंने क्लोरीन वाली रिएक्शन बताई थी, जैसे हमारे पास Cl2 था, वहाँ पे केवल एक फोटोन देना पड़ता था और ये 2Cl बन जाते थे। अब ये जो Cl होता था वही आगे जाके क्या करता था, H2 इसमें चेंज हो जाता था HCl में और साथ में H ये बनता था। और ये जो H फ्री रेडिकल बनता था वो Cl2 के साथ आगे जाके क्रिया करता था और फिर हमारे पास क्या बना देता था, HCl बना देता था, साथ में Cl फ्री रेडिकल बनता था। तो एक केवल एक फोटोन के द्वारा हमारे पास इतनी सारी अभिक्रिया चलती थी एक फोटोन के कारण दो तीन चार पाँच कई मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं या फिर उत्पाद में बदल सकते हैं। एक कारण यह है कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो पदार्थ है वो ही उत्प्रेरक का काम करे, अभिकारक में जो मध्यवर्ती उत्पाद है, मध्यवर्ती जो प्रोडक्ट है वो ही हमारे पास क्या करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, कैटलिस्ट का कार्य करे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, उच्च क्वांटम लब्धि होगी तीसरा कारण। और यदि एक और कारण, यदि देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास किसी कण से हमारे पास क्या है कि हमारे पास फोटोन टकरा रहा है और फोटोन से टकराने के बाद कण तो एक्टिव हो रहा है, साथ में हमारे पास ऊष्मा और निकल रही है और ये जो ऊष्मा है वो किसी और मॉलिक्यूल को एक्टिव कर रही है, सक्रिय कर रही है, तो ये भी हमारे पास उच्च क्वांटम लब्धि का कारण हो सकता है। तो इस प्रकार कई कारण हो सकते हैं उच्च क्वांटम लब्धि के। अब हम बात करते हैं निम्न क्वांटम लब्धि के, किसके, निम्न क्वांटम लब्धि क्यों होती है। निम्न क्वांटम लब्धि होने के बहुत कारण है, क्या कारण है कि मान लो हमारे पास कोई अणु है, इससे हमारे पास क्या है, कोई फोटोन टकराया, अणु से क्या है फोटोन टकराया, फोटोन टकराने के बाद मान लो अणु सक्रिय हो भी गया,
मान लो अणु सक्रिय हो भी गया, लेकिन सक्रिय होने के बाद मान लो वो अपनी ऊर्जा खो दे, अपनी ऊर्जा किसी और को दे दे और डीएक्टिवेट हो जाए, क्या हो जाए, वापस से इसी वाली अवस्था में चेंज हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, तो क्वांटम लब्धि का मान क्या होगा, एक से कम होगा, क्वांटम यील्ड क्या होगी, लेस देन वन होगी। ये हमारे पास एक कारण हो गया। इसी तरीके से हमारे पास कोई सक्रिय अणु है, सक्रिय अणु है, वो किसी दूसरा निष्क्रिय अणु है, उससे जाकर गलती से टकरा गया, उससे जाकर गलती से टक्कर हो गई, और टक्कर होने के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी ऊर्जा खो दी, कोई भाग कर जा रहा है सामने से टकरा गया तो भागने वाला क्या होगा, अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देगा, उसी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा भी होता है। तो उस स्थिति में भी हमारे पास फाई का मान, क्वांटम लब्धि का मान क्या होता है, एक से कम होता है। ये हमारे पास दो बातें हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि कोई अणु है वो एक्टिव तो हो जाता है, एक्टिव हो के सक्रिय अणु में बदल जाता है फोटोन की सहायता से, लेकिन उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो, एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, किसी को भी दे देता है लेकिन एनर्जी लॉस होगी, लॉस हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे पास फाई का मान क्या होगा, लेस देन वन होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों बातें बता दी, क्वांटम लब्धि में उच्च क्वांटम लब्धि भी बता दी, निम्न क्वांटम लब्धि भी बता दी, और ये बता दिया कि इनके क्या क्या कारण है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जेबलोन्स की आरेक की पढ़ेंगे, जो हर दूसरे साल आता रहता है और कई बार तो लगातार आता रहता है, पिछले साल के पेपर उठा कर देख लेना। ओके, धन्यवाद।